अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 5 अगस्त 2011 को हमारे सौरमंडल के सबसे विशालकाय ग्रह जुपिटर का स्टडी करने के लिए जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। यह स्पेसक्राफ्ट कई आधुनिक तथा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरे से लैस था, जिसका मुख्य मकसद जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और उसके अद्भुत और विचित्र मूस का करीबी से स्टडी करना था। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले स्वागत करता हूं हमारे चैनल द नॉलेज टूर पर, और मेरा नाम अयांश है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जूनो मिशन ने जुपिटर ग्रह पर क्या खोजा। जूनो स्पेसक्राफ्ट 2016 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जिसने अपनी खोजों से इस ग्रह और उसके मून्स को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया है। ऐसे में आज हम एक अनोखी यात्रा पर चलेंगे, जहां हम जूनो स्पेसक्राफ्ट के जर्नी और उसके द्वारा किए गए खोजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे विशालकाय ग्रह है। जुपिटर ग्रह एक गैसों का विशाल भंडार है, जो कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे भयानक गैसों से मिलकर बना हुआ है। अभी तक किए गए अध्ययनों से वैज्ञानिकों को जुपिटर ग्रह का चक्कर लगा रहे करीब 79 चंद्रमाओं का पता चला है, जो कि अपने आप में एक मिनी सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। स्टडी के दौरान जुपिटर ग्रह के चंद्रमाओं में वैज्ञानिकों को सब सरफेस लिक्विड और विशाल समुद्र तथा वॉल्केनोस का पता चला है, जहां शायद किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। यह इतना विशालकाय है कि हमारे सौरमंडल में मौजूद दूसरे सभी ग्रह तथा उनके मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और दूसरे सोलर बॉडीज इसके अंदर आसानी से समा जाएंगे। अपने इतने विशालकाय आकार की वजह से हमारे सौरमंडल के निर्माण और उसे आकार देने में सूर्य के बाद सबसे बड़ा हाथ जुपिटर ग्रह का ही रहा है। ऐसे में हम इस ग्रह के निर्माण, मूस और उसके एवोल्यूशन का डीप स्टडी कर हमारे सौरमंडल के बारे में काफी कुछ जुटा सकते हैं, जिसके बाद 1989 में जुपिटर ग्रह और उसके मूस का करीबी से स्टडी करने के लिए गैलीलियो मिशन को लॉन्च किया गया। यह जुपिटर ग्रह पर भेजा गया पहला ऑर्बिटर मिशन था, जिसका मुख्य मकसद इस ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इसका करीबी से अध्ययन करना था। करीब 6 सालों की लंबी यात्रा के बाद गैलीलियो मिशन सन 1995 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ और करीब 8 सालों तक इस ग्रह और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करता रहा है। इस मिशन ने जुपिटर ग्रह और उसके सभी मून्स, यूरोपा के सब सरफेस समुद्र, आईओ के वॉल्केनोस और गेनीमेड के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े कई खुलासे किए, जिसने इस छोटे से सोलर सिस्टम को देखने का हमारे वैज्ञानिकों का नजरिया ही बदल दिया, और आखिरकार 2003 में इस स्पेसक्राफ्ट का मिशन पूरा हो गया, जिसके बाद इसने जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर अपने आप को नष्ट कर लिया था। पर इस मिशन द्वारा जुटाई गई ढेर सारी जानकारियों ने वैज्ञानिकों के सामने जुपिटर ग्रह और उसके मून्स को लेकर कई और ढेर सारे सवाल भी रख दिए, जिनके जवाब ढूंढने के लिए हमें गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से भी ज्यादा एक ऐसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट की जरूरत थी, जिसमें ऐसे आधुनिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरास मौजूद हो जो कि जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रक्चर और उसके मून्स का और भी करीबी और विस्तार से अध्ययन कर सके। और यही से अस्तित्व में आया नासा का महत्वाकांक्षी जूनो मिशन। चलिए तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं हमारी आज की जूनो मिशन की कहानी। न्यू फ्रंटियर्स मिशन के अंतर्गत 9 जून 2005 को जूनो मिशन को सेलेक्ट किया गया था। पहले इस मिशन को 2009 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन बजट की कमी के कारण इसकी लॉन्चिंग में 2 सालों की देरी हो गई।
दो साल के डिले के बाद आखिरकार जूनो स्पेस प्रोब को 5 अगस्त 2011 को एटलस V551 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। जूनो स्पेसक्राफ्ट का निर्माण लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया गया था और इसे नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट का लॉन्च मास करीब 3625 किलोग्राम था। जूनो आउटर सोलर सिस्टम में जाने वाला पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसमें अपनी एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स का उपयोग किया गया है। इसमें 3 बड़े सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। और अगर हम जूनो में लगे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसमें 9 मेन इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। वो 9 इंस्ट्रूमेंट्स है माइक्रोवेव रेडियोमीटर, जोवियन इंफ्रारेड ऑरोराल मैपर, मैग्नेटोमीटर, ग्रेविटी साइंस, जोवियन ऑरोराल डिस्ट्रीब्यूशंस एक्सपेरिमेंट, जोवियन एनर्जेटिक पार्टिकल डिटेक्टर, रेडियो एंड प्लाज्मा वेव सेंसर, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ और जूनो केम है। लॉन्च के बाद अक्टूबर 2013 में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने आखिरी बार पृथ्वी के फ्लाईबाई को अंजाम दिया। इस फ्लाईबाई का मकसद ग्रेविटी असिस्ट के जरिए जूनो स्पेसक्राफ्ट के स्पीड को बढ़ाना था। पृथ्वी के फ्लाईबाई को पूरा करने के बाद जूनो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 78,000 माइल से बढ़कर 93,000 मील प्रति घंटा हो गई और फिर इसके साथ ही इसने जुपिटर ग्रह तक के अपने लंबे सफर की शुरुआत की। जूनो को जुपिटर ग्रह तक का सफर तय करने में 5 सालों का समय लग गया था और यह स्पेसक्राफ्ट 5 जुलाई 2016 में करीब 2.8 बिलियन किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर आखिरकार जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ था। जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद अगस्त 2016 में जूनो ने जुपिटर ग्रह का अपना पहला फ्लाईबाई पूरा किया। पहली फ्लाईबाई के दौरान जुपिटर और जूनो के बीच फर्स्ट क्लोज अप्रोच भी हुआ था, जिस दौरान इन दोनों के बीच की दूरी केवल 4,200 किलोमीटर थी। अक्टूबर 2016 को जूनो के सेकंड क्लोज अप्रोच के दौरान इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, जिस कारण क्लोज अप्रोच के 13 घंटे पहले ही यह सेफ मोड में चला गया। प्लान के मुताबिक इसके सेकंड क्लोज अप्रोच के बाद जूनो के इंजन को फायर कर इसके स्पीड को बढ़ाकर और इसके ट्राजेक्टोरी को बदला जाना था। इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद जूनो का ऑर्बिटल पीरियड 53 दिनों से घटकर सिर्फ केवल 14 दिन का रह जाता। अगर यह सफल हो जाता तो जूनो स्पेसक्राफ्ट 20 महीने के अंदर जुपिटर ग्रह के 37 ऑर्बिटल फ्लैबीज को पूरा कर सकता था। लेकिन 19 अक्टूबर को इसके इंजन में आई गड़बड़ी की वजह से तय समय पर जूनो के मैन इंजन को फायर नहीं किया जा सका और जिसके चलते 14 दिनों के प्लान को कैंसिल कर 53 दिनों के प्लान को ही कंटिन्यू रखने का फैसला किया गया था। जूनो स्पेसक्राफ्ट में आई इस तकनीकी खराबी के कारण 37 ऑर्बिट्स के बजाय 20 महीने के अंदर जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह की सिर्फ 12 ऑर्बिट्स को ही पूरा कर पाया था। पर अच्छी बात ये रही कि एक्सट्रीम रेडिएशन और बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट के बावजूद जूनो का सिस्टम और सभी इंस्ट्रूमेंट्स बेहतर स्थिति में थे, जिसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने जूनो मिशन के लाइफ को जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। जूनो का बढ़ाया गया मिशन भी इस साल कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फ्यूचर क्या है, ये जानने से पहले हम उन चीजों के बारे में जानते हैं जिसकी खोज जूनो ने की है। जुपिटर ऑर्बिट में दाखिल होने के 1 महीने बाद ही जूनो ने जुपिटर के स्ट्राइप्स से जुड़ी एक दिलचस्प खोज की। इस खोज के अनुसार जुपिटर की पहचान बन चुके ये स्ट्राइप्स दरअसल जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में काफी दूर तक फैले हुए हैं। अगस्त महीने में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर ग्रह के नॉर्थ पोल की पहली तस्वीर भेजी और साथ ही हमें पहली बार जुपिटर ग्रह के रिंग्स का इनसाइड व्यू भी देखने को मिला था। जूनो मिशन ने हमें पहली बार जुपिटर ग्रह में आने वाले ऑरोरस का करीबी से स्टडी करने का मौका भी दिया।
जिनसे हमें यह पता चला कि ये हमारे पृथ्वी ग्रह पर आने वाले ऑरोरस से काफी अलग होते हैं। साथ ही इसने पहली बार जुपिटर ग्रह के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया, जो कि एक ऐतिहासिक खोज थी, क्योंकि हमने पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की खोज की थी। जिसके बाद इस मिशन ने जुपिटर ग्रह पर होने वाले लाइटनिंग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेजी, जिससे इस फेनोमेनन के बारे में हमारे वैज्ञानिक और भी बेहतर तरीके से स्टडी कर सके। इन सभी डिस्कवरीज के साथ ही जूनो ने जुपिटर ग्रह और उसके मून्स की कई शानदार तस्वीरें भी ली, जिससे हमें धरती पर बैठे बैठे इस ग्रह और उसके चंद्रमाओं का करीबी से अध्ययन करने का मौका मिला। जुलाई 2021 में जूनो का एक्सटेंडेड मिशन भी कंप्लीट हो गया, जिसके बाद नासा ने जूनो मिशन का कार्यकाल सितंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके एक्सटेंडेड मिशन के अंतर्गत अब जूनो स्पेसक्राफ्ट का मुख्य मिशन जुपिटर ग्रह के इनर मून्स गैनीमेड, यूरोपा और आईओके फ्लाईबाइस को अंजाम देना और इनके बारे में जरूरी तस्वीरें और डाटा जुटाना है। जूनो ने जुपिटर ग्रह के सबसे बड़े चांद गैनीमेड का फ्लाईबाइस 7 जून 2021 को पूरा कर लिया है। इस फ्लाईबाय के दौरान गैनीमेड और जूनो के बीच क्लोसेस्ट अप्रोच की दूरी केवल 1038 किलोमीटर हो गई थी। गैनीमेड फ्लाईबाय के दौरान इस चांद की ग्रेविटी की वजह से जूनो का ऑर्बिटल पीरियड 53 दिन से घटकर 43 दिन हो चुका है। चलिए अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जूनो मिशन का फ्यूचर कैसा होगा। गैनीमेड मिशन के बाद जूनो यूरोपा मून के फ्लाईबाई को सितंबर 2022 तक अंजाम देगा। यूरोपा के फ्लाईबाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद इसका ऑर्बिटल पीरियड घटकर केवल 38 दिनों का रह जाएगा। इस फ्लाईबाई के दौरान यूरोपा और जूनो के बीच क्लोसेस्ट अप्रोच की दूरी सिर्फ 320 किलोमीटर रहने की संभावना हमारे वैज्ञानिक लगा रहे हैं। यूरोपा के बाद दिसंबर 2023 में जूनो आईओ मून के पहले फ्लाईबाई को पूरा करेगा और इन दोनों के बीच सेकंड फ्लाईबाई फरवरी 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। इस फ्लाईबाई के दौरान इन दोनों की क्लोसेस्ट अप्रोच 1500 किलोमीटर की होगी। आईओ के फ्लाईबाई को पूरा करने के बाद जूनो का ऑर्बिटल पीरियड और कम होकर केवल 33 दिनों का रह जाएगा। नासा ने जूनो मिशन कंप्लीट होने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का एक प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके अनुसार मिशन कंप्लीट होने के बाद जूनो को डी ऑर्बिट कर इसे जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा, जिससे यह स्पेसक्राफ्ट केवल कुछ मिनटों में खुद ही जलकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हालांकि इस प्लान को 2018 में पहले मिशन के कंप्लीट होते ही लागू किया जाना था, लेकिन इस मिशन को दो बार आगे बढ़ाया जा चुका है। फिर भी ऐसी उम्मीद है कि 2025 में मिशन कंप्लीट होने के बाद जूनो को इसी प्लान के तहत डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऐसे में खत्म होने से पहले जूनो मिशन जुपिटर ग्रह और उसके मून से जुड़ी और कई और भी खुलासे कर सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर